हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये एक और सेल ऑर्गेनिल्स है। आज इस वीडियो के माध्यम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कैमिलो गोल्जी इन 1898। 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब किया। उन्हीं के नाम के आधार पर इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज बीन वेरियसली नेम्ड एज गोल्जी बॉडी, टिक्टोसोम, लिपोक्रोंडियन, इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस, कैनिक्यूलर सिस्टम एंड ट्रोपोफॉस्पोंजियम बाई वेरियस वर्कर। अर्थात गोल्जी कॉम्प्लेक्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, कहीं पर इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस कहा जाता है, कैनिक्यूलर सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये वेरियस जो वर्कर्स हैं, अलग अलग जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका नामकरण किया। जनरली द टर्म डिक्टोसोम इज यूज फॉर द गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड प्लांट। सामान्यतः डिक्टोसोम जो वर्ड है, जो टर्म है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए उपयोग किया जाता है इनवर्टिब्रेट्स में और प्लांट में। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं और स्मूथ मेम्ब्रेन का एक समूह होता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ए क्लस्टर ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा कुछ यूकैरियोटिक कोशिका जैसे स्तनधारियों के आरबीसी को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाए जाते हैं। मोस्ट एनिमल सेल्स कंटेन ओनली वन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एनिमल सेल्स में एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स उपस्थित होता है। बट डेवलपिंग ऊसिस्ट ऑफ कॉर्डेट्स कंटेन मेनी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली नर्व सेल्स एंड लीवर सेल्स कंटेन मेनी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। प्लांट सेल यूजुअली कंटेन हंड्रेड्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो डेवलपिंग ऊसिस्ट होती है कॉर्डेट की, उसमें बहुत सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार नर्व सेल्स और लीवर सेल्स में बहुत सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि प्लांट सेल में हंड्रेड्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स उपस्थित होते हैं। इनका जो आकार होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, कोशिका में अलग-अलग होता है। ये बड़े व काफी क्रियाशील होते हैं। इनकी जो आकृति होती है, ये भी अलग-अलग कोशिका में अलग-अलग होती है। किसी में रॉड शेप होती है, किसी में सिकल के आकार की होती है, किसी में वेसिकल के आकार की होती है, किसी में ग्रेन्यूल्स के आकृति की पाई जाती है। तो अलग-अलग सेल में इनका आकार, इनकी आकृति अलग-अलग होती है। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स काफी एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब लेते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। तीन कंपोनेंट्स का ये बना होता है। पहला है सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल और तीसरा वैक्यूल्स। यहां पर आप डायग्राम में देखेंगे, ये है सिस्टर्नी जो कि ट्यूब्यूल्स के समान होती हैं। उसके बाद यहां पर जो पार्ट होता है वैक्यूल्स और वेसिकल्स, ये इसमें दिखाई देते हैं।
ये सिक्रेटरी वेसिकल्स है और वैक्यूल्स जो है बॉल के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सिस्टर्नी जो होते हैं ये लंबे होते हैं, नलिकाकार होते हैं, फिलामेंटस होते हैं एवं चपटे होते हैं। फ्लैट है, सिस्टर्नी चपटे हैं, ट्यूब के समान है, फिलामेंटस होते हैं और इनमें एक कोश पाया जाता है, चपटा कोश पाया जाता है जो कि एक दूसरे के समानांतर बंडल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे के समानांतर ऐसे बंडल के रूप में सिस्टर्नी व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक प्रकार के कोशिका में इनकी संख्या अलग-अलग होती है। सिस्टर्नी की संख्या कोशिकाओं में अलग-अलग होती है। इनकी संख्या 4 से 7 होती है और ये जो होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इतने सिस्टर्नी होते हैं कि निकटतम आधे की फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संबंध होते हैं से संबंध होते हैं। इसके विपरीत दिशा के आधे भाग को मैच्योरिंग फेस कहा जाता है। तो इस तरफ का फेस जो कहलाता है मैच्योरिंग फेस कहलाता है और इसका अपोजिट वाला जो फेस होता है फॉर्मिंग फेस कहलाता है। सिस्टर्निंग फॉर्मिंग फेस की ओर मुड़ा रहता है और इस तरह से पूरा स्टैक कॉन्वेक्स और कॉनकेव का निर्माण करता है। ये जो सिस्टर्नी का भाग है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स का निर्माण करता है। दूसरा भाग आता है वेसिकल्स का। प्रत्येक सैक के दूर वाले छोर पर अनियमित आकार की गोलाकार कोशनुमा संरचनाएं उपस्थित होती है जिन्हें वेसिकल कहते हैं। इनका व्यास कोशिका के अनुसार अलग-अलग होता है। ये दो प्रकार के होते हैं स्मूथ वेसिकल और कोटेड वेसिकल। ये भाग था वेसिकल्स का। इसके बाद जो पार्ट आता है वैक्यूल्स का, यह सिस्टर्नी के विस्तार से बनता है, गोलाकार होते हैं। वैक्यूल्स जो है सिस्टर्नी के विस्तार से बनते हैं और गोलाकार इनकी संरचना होती है। ये था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देन लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीन इन नेचर। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो मेम्ब्रेन है उसकी जो प्रकृति है वो है लिपोप्रोटीन नेचर की। द लिपिड आर मेनली फॉस्फोलिपिड। इसमें जो लिपिड्स पाए जाते हैं वो मुख्यतः फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। एंजाइम ऑल्सो प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि होते हैं सच एज एडिपेस, एटीपेस, सीटीपेस, थायमिन, एसिड फॉस्फेट, यूडीपी एसेट्रा। तो ये पार्ट था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो केमिकल कंपोजिशन है जिसमें मेम्ब्रेन होती है लिपोप्रोटीन की, लिपिड मेनली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। इस प्रकार ये भाग इनका कहलाता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देन लेते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पहला है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस द गोल्जी वेसिकल्स एक्यूमुलेट इन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। साइटोकाइनेसिस के समय, प्लांट सेल के साइटोकाइनोसिस के समय गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है एक्यूमुलेट होता है बीच में। यहाँ पर डायग्राम में आप देखेंगे सेल प्लेट का एक निर्माण करता है, ये बीच वाला भाग है। इस प्रकार ये सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल बनाने में मदद करता है। इससे ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो कोशिका भित्ति बनाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक
ऐसा पदार्थ निकलता है जो कोशिका की भित्ति बनाते हैं, और संभवतः यह पदार्थ हेमीसेल्युलोज होता है। इस प्रकार ये जो होते हैं सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। द पॉलीसेक्राइड ऑफ सेल वॉल इज फॉर्म इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इज ट्रांसपोर्ट टू द सेल वॉल। इस प्रकार ये सेल वॉल बनाने में मदद करते हैं। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है प्राइमरी लाइसोसोम्स बनाने में मदद करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाइड्रोलिसिस वाले छोटे वेसिकल्स को बदलकर बंद कर देते हैं। इन वेसिकल्स को गोल्जी कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये छोटे वेसिकल्स बनाते हैं और यहां से बंद कर दिए जाते हैं। हाइड्रोलिसिस वाले छोटे जो वेसिकल्स होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी में छोटे वेसिकल्स को बंद कर दिया जाता है। ये सिस्टर्नी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पर छोटे वेसिकल्स को स्थानांतरित करके बंद कर दिया जाता है। इसे प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, ये कहलाता है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम बनाने के लिए फैगोसोम्स पिनोसोम्स के साथ जुड़ते हैं। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं वो सेकेंडरी लाइसोसोम बनाने के लिए फैगोसोम्स या जिसे पिनोसोम्स भी कहा जाता है इससे जुड़ जाते हैं। ये यहाँ से जुड़ जाता है और ये बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम। इस प्रकार ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दूसरा कार्य था। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस ए वैक्यूल अपीयर्स इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। स्पर्मियोजेनेसिस के फलस्वरूप गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एक वैक्यूल्स का निर्माण होता है। यदि इसको हम इस क्रिया को समझें तो डायग्राम के हिसाब से तो क्या होना चाहिए। इस प्रक्रिया में स्पर्म का एक्रोसोम स्पर्मेटोजेनेसिस के समय गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तब जो स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसे बनाता है? ये ए बी सी डी ई एफ जो डायग्राम हमने लगाया है इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। डायग्राम में आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इनसाइड द वैक्यूल ए डेंस ग्रेन्यूल कॉल्ड पैराक्रोमोसोमल ग्रेन्यूल्स डेवलप। ये गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी के अंदर एक डेंस वैक्यूल्स का निर्माण होता है, इसको कहा जाता है पैरासोमल ग्रेन्यूल्स। सी वाले डायग्राम में क्या हो रहा है? द वैक्यूल्स एंड पैरासोमल ग्रेन्यूल्स ग्रेजुअली इनलार्ज। और ये जो वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल्स और पैरासोमल ग्रेन्यूल्स धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। बोथ एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स एंड एक्रोसोमल वैक्यूल्स अटैच टू द टिप ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो एक्रोसोमल वैक्यूल्स है और एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स है दोनों आकर न्यूक्लियस के टिप में जुड़ जाते हैं। सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एक पैरासोमल ग्रेन्यूल का पैराक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का निर्माण होता है, गाढ़ा होता है, ये अपना आकार बढ़ाते हैं और उसके बाद एक्रोसोमल वैक्यूल और एक्रोसोमल ग्रेन्यूल आकर न्यूक्लियस के टिप से अटैच हो जाते हैं। द एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम। इस पूरी संरचना को एक्रोसोम कहा जाता है। इट स्प्रेड ओवर द न्यूक्लियस एट द कैप। और ये जो एक्रोसोम है
ये न्यूक्लियस के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना में फैल जाता है और इस प्रकार फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर फोर्थ इसका फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ म्यूसिगेन ग्रेन्यूल। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ब्लड वेसल से प्राप्त एमिनो एसिड से राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। यहां पर आप डायग्राम में देखेंगे, ये ब्लड वेसल्स है, इससे प्राप्त जो ये एमिनो एसिड्स है उसके प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। कहां पर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ब्लड वेसल से प्राप्त एमिनो एसिड से राइबोसोम्स द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन गोल्जी सिस्टर्नी में प्रवेश करते हैं। ये जो प्रोटीन है ये गोल्जी के सिस्टर्नी में प्रोटीन जो है प्रवेश करते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में बदलने के बाद यह ग्लाइकोप्रोटीन ब्लड वेसल से प्राप्त सल्फर के साथ क्रिया करके म्यूसिजन में बदल जाता है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ब्लड वेसल से प्राप्त ये सल्फेट सल्फर के साथ क्रिया करके म्यूसिजिन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये म्यूसिजिन में कन्वर्ट होता है, इस म्यूसिजिन के चारों ओर सिस्टर्नी द्वारा एक मेम्ब्रेन प्रदान कर दी जाती है, जिससे म्यूसिजन ग्रेन्यूल्स का निर्माण होता है। ये म्यूसिजन ग्रेन्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा बाहर स्रावित कर दिए जाते हैं। तो ये म्यूसिजन ग्रेन्यूल्स का निर्माण एक मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा है और ये म्यूसिजन ग्रेन्यूल आगे जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और सिक्रीशन द्वारा बाहर की ओर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं सिक्रीशन ऑफ म्यूसिजिन ग्रेन्यूल्स। पांचवा है प्रोटीन सिक्रीशन, ये भी इंपॉर्टेंट इसका कार्य है। राइबोसोम से संश्लेषित प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी में आते हैं। जो प्रोटीन सिक्रीशन का जो कार्य होता है वो होता है राइबोसोम से जो संश्लेषित प्रोटीन होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी में आते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, उसके सिस्टर्नी में ये जो है प्रोटीन आते हैं। गोल्जी सिस्टर्नी से निर्जलीकरण द्वारा प्रोटीन का सांद्रण होता है। यह सांद्रित प्रोटीन सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कहलाती है। इसमें निर्जलीकरण द्वारा यह ग्रेन्यूल्स का निर्माण होता है, सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बनते हैं और इस सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ गोल्जी बॉडी द्वारा मेम्ब्रेन अवतरित कर दी जाती है। यह प्रक्रिया पैकेजिंग कहलाती है। ये सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बना है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया, इस प्रक्रिया को कहते हैं पैकेजिंग। ये होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। यह सिक्रेटरी ग्रेन्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संलग्नित हो जाती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे ये जुड़ जाती है और यहां से फिर इसमें उपस्थित पदार्थ का बाहर की ओर श्रावण कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है प्रोटीन सिक्रीशन। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, होता है छठवें नंबर पर लिपिड का सिक्रीशन। छठवें नंबर पर है लिपिड का सिक्रीशन। गोल्जी बॉडी के एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स द्वारा लिपिड प्राप्त होती है, गोल्जी से लिपिड का सांद्रण हो जाता है तथा इसे वेसिकल्स के रूप में पैक कर दिया जाता है। यह वेसिकल्स प्लाज्मा झिल्ली के साथ संलग्नित होकर लिपिड का श्रावण कर देती है। तो ये कहलाता है लिपिड का सिक्रीशन। फिर उसके बाद आता है सातवें नंबर पर, इसका कार्य है पिगमेंट फॉर्मेशन।
गोल्जी बॉडी द्वारा पिगमेंट ग्रेन्यूल्स का निर्माण होता है, जैसे मेलेनिन एक पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है, ये कलर पिगमेंट है, इसका निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। 7वां नंबर पर है रिन्यूअल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नवीनीकरण। गोल्जी बॉडी द्वारा निर्मित स्रावी वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ संलग्नित हो जाती है तथा वेसिकल की झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती है। इस प्रकार ये प्लाज्मा झिल्ली का नवीनीकरण करते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली को नयाकरण, नवीनीकरण, रिन्यूएबल जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। और उसके बाद लास्ट में है सल्फेशन, 9वें नंबर का जो इसका कार्य है वो है सल्फेशन। यह सल्फेट मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, एक्टिवली भाग लेता है। सल्फेट को एटीपी द्वारा सक्रिय कर दिया जाता है। सल्फो ट्रांसफरेंस एंजाइम द्वारा सक्रिय सल्फेट का स्थानांतरण ग्राही अणुओं को हो जाता है। इस प्रकार गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है सल्फेशन का कार्य भी करता है। तो आज हमने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।